गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 अप्रैल 2020। डॉलर इंडेक्स अभी है 101.99। कल एंड परसों जो लो मारा था वो है आपका 101.50 के पास। इसमें हमारा जो ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड का सेटअप था उसका टारगेट मैच हो गया है। वीकली वर्सेस डेली का जो टारगेट था उसमें टारगेट मैच हो गया। व्हाट नेक्स्ट, दैट इज द क्वेश्चन। ये तो हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया, फ्रॉम आपका 104.50 लेवल से 101.50 लेवल्स में आ चुका है एंड टारगेट मैच हो गया है। ये तो अभी के लिए पास्ट हो गया। That being the case, what next के लिए हमें देखना है मंथली चार्ट, जहाँ पे रेंज शिफ्ट हो चुका है। What it means, यानी now इसका जो strong bullishness है उसमें stop, full stop लग गया है। That being the case, यहाँ पे अभी का जो आपका रेंज है 104 से 105.50 that will act as a strong resistance on a monthly time frame. Weekly pe as of now aapka 101 and 101.50 may act as a some sort of pause. So is level pe, yani ye wala level 101 se 101.50 level mein ek pause deke थोड़ा सा एक ऑप्टिक मार सकता है। ऑप्टिक मार के ये कहाँ तक जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी है आपका 102.60 से 103.00 ये जोन। आइदर प्राइस विल बाउंस बैक टुवर्ड्स दिस लेवल एंड देन हमें देखना है क्या इस लेवल पे प्राइस आने के बाद रिजेक्शंस होता है या नहीं। एल्स ये जो लेवल है 103.50 से 104.00 उस लेवल से ये प्राइस रिजेक्ट हो सकता है, समथिंग लाइक दिस और लाइक दिस। अभी कौन सा होता है वो हमें देखना पड़ेगा। डॉलर रुपी अभी है 101.93। कल ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके नीचे क्लोज दिया है। आज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, सो till that time we need to wait for the policy decision as well as the forward guidelines. उसके बाद हमें देखना है कि क्या ये प्राइस नीचे की तरफ जाता है या थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद बाउंस बैक करता है। कल के लो, दैट इज यहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट का जो लो है वो है 81.84। इसके लो के नीचे वी में एक्सपेक्ट ए फॉल टूवर्ड्स 81.50, 81.60 एंड अबव द हाई ऑफ 82.25 वी में एक्सपेक्ट ए बाउंस बैक टूवर्ड्स 82.4050। क्या पॉलिसी के बाद होता है वो हमें देखना पड़ेगा। जीबीपी डॉलर आप देखोगे, दो दिन पहले हमने ये डिस्कस किया था कि 1.2450 में एक्ट एज द इमीडिएट रेजिस्टेंस, तो वहीं पे यहाँ पे कोई एक्चुअली बेसिकली कोई बड़ी साइंस नहीं है क्योंकि ये इमीडिएटली पहले दो बार फेस कर चुका था तो इट मे एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका 1.2525 तक हाई मार के फिर अभी नीचे आने का क्लोज कोशिश कर रहा है। दैट बीइंग द केस, बाई डीप मे बी कंसीडर्ड हियर। बाई डीप में क्या डीप हो सकता है, मेरा ये हो सकता है मेरे हिसाब से कि ये जो सेंटर बैंड है इसके आसपास अगर आके सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक करता है दैट इज गोइंग टू बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक। जीबीपी आईएनआर में भी एक रेजिस्टेंस था आपका 101.50 से 101.75 के बीच में एंड सेकेंड रेजिस्टेंस था आपका 102.60 से 75 के बीच में।
अभी कल उसी में रेजिस्टेंस लेके अभी थोड़ा सा पुल बैक किया है. दैट बीइंग द केस, यहाँ पर भी बाई डिप्स में भी कंसिडर्ड, बाई डिप्स में कहाँ तक आ सकता है, ये सेंटर बैंड के आसपास आने के बाद अगर बाउंस बैक करता है दैट इज गोइंग टू बी ए वेरी गुड बाउंस बैक. यूरो डॉलर अभी है 1.0892, यहाँ पर भी, लेकिन ये आपका यहाँ पर भी बाउंस बैक ऊपर की तरफ आने का प्रयास किया, लेकिन आपका ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है क्या है 1.1050, वहाँ तक अभी तक आया नहीं है. सो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा पुल बैक हम यहाँ पे देख सकते हैं. सिमिलरली पुल बैक टू द सेंटर बैंड, उसके बाद अगर ऊपर जाने का प्रयास करेगा दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट बाइंग सेटअप. एंड यूरो आयनर पे ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन है, दैट इज 89.50 से आपका 91.00, इसमें प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है. डॉलर येन 131.15 है आपका, यहाँ पे आप देखोगे कल एक लो बनाया हुआ है 130.62. दैट बीइंग द केस आपका ये पिनवर का लो दैट इज योर 129.60 एंड 130.50, ये 100 पिप्स का जो एक सपोर्ट जोन है इट में एक्ट एज ए सपोर्ट. अभी देखना है कि क्या यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है या आपका यहाँ पे टाइम पास करने के बाद डायरेक्टली नीचे की तरफ आता है, उसके लिए हमें प्राइस एक्शंस को देखना पड़ेगा. येन आयनर सेंटर बैंड में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है. पिछले 3 दिनों में आपका अच्छा खासा ऊपर आया है. क्या था ये, पिन बार के हाई के ऊपर बाई और पिन बार के लो के नीचे सेलिंग. सो बाइंग का ही पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखा गया. तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होगा द रेजिस्टेंस विल बी हियर. क्या ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, ये हमें देखना पड़ेगा. ऐसा लगता है कि RSI भी 60 के तरफ पहुंच रहा है. दैट मीन द केस ऐसा लगता है कि प्राइस आपका ऊपर जाके फिर एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डॉलर कैंडी पे आपका 134 का लो मारने के बाद फिर ऊपर जा रहा है पिछले 2 दिनों में, और आज भी इसका प्रोसेस चल रहा है. दैट मीन द केस हमारा जो इमीडिएट सेलिंग टारगेट रहेगा ये रहेगा हमारा 135 से 135.25 के बीच में. यहाँ पे सेल करने से क्या होगा, छोटा स्टॉप लॉस में अच्छा खासा एक रिस्क टू रिवॉर्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अभी आते हैं ऑसी डॉलर पे. ये जो रेजिस्टेंस जोन था 67.00 से 67.50 का, इसको तो आपका ये प्राइस एक्शन 3rd को ब्रेक कर दिया लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिला एंड अगेन दोबारा ये नीचे आ चुका. सो अभी एक ऊपर की तरफ 68 और नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट, इसके बीच में ये प्राइस थोड़े टाइम के लिए 1-2 दिन के लिए मूवमेंट कर सकता है बिफोर मेकिंग ए गुड मूव ऑन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन. वो कौन सा डायरेक्शन होगा इसके लिए हमें प्राइस एक्शन को केयरफुली देखना पड़ेगा. CNH ये ब्रेकडाउन के फॉल्स ब्रेकडाउन ऑन 23rd मार्च के बाद फिर जो 24th को बाउंस बैक किया, अभी ये देखो कितने दिनों से 13th मार्च का जो रेंज है मदर कैंडल का रेंज है उसके अंदर में ही कंसोलिडेट करने दीजिए. जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा उतना ही ज़्यादा ब्रेकआउट होगा. कौन सा डायरेक्शन में ये हमें देखना पड़ेगा. पॉसिबली आप देखोगे RSI इज अप्रोचिंग 60. दैट बीइंग द केस पॉसिबली इधर ऊपर थोड़ा सा अपटिक में रेजिस्टेंस लेके फिर दोबारा ये सेल ऑफ होने का प्रयास कर सकता है, लेकिन क्या ये होगा ये हमें देखना पड़ेगा. क्रूड 84.40 यहाँ पे अपर लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है बिफोर मेकिंग ए पार्टिकुलर
डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में, ऑन द हायर साइड 89 एंड द लोअर साइड 79, इसके बीच में ये काफ़ी टाइम पास करने का एक्सपेक्टेशन है बिफोर मेकिंग ए क्लियर कट डायरेक्शन इन आइदर साइड। US 10-year ट्रेजरी अच्छा खासा लो है, कहाँ पे है 3.3050, दैट मीन अ केस इट इज़ ए, ये जो सपोर्ट जोन है इसको ब्रेक डाउन करेगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है ये 2.60। क्या कितना जल्दी या कितना देर से आएगा ये हमें पता नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। US 2-year ट्रेजरी यहाँ पर भी 3.78 है, आपको देखने वाला बात है कि द डिफरेंस बिटवीन द 10-year एंड 2-year इज अभी भी 48 बेसिस पॉइंट का है, सो ग्रेजुअली ये नीचे आना पड़ेगा तभी जाके एक आइसक्रीम की तरह मेल्टिंग हो सकता है ऑन US ट्रेजरीज। लेकिन तब तक जब तक ये 2-year 10-year के नीचे नहीं आता है जो मेल्टिंग रेट होगा वो थोड़ा कम होगा, धीरे धीरे होगा। एक बार 2-year फॉल्स बिलो 10-year उसके बाद द मेल्टिंग जो होगा काफ़ी शार्प हो सकता है। मेल्टिंग का मतलब ट्रेजरी रेट्स नीचे आने का जो स्पीड होगा। तो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना है, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा हो। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एट।